नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डेजर्ट टाइम्स, आपकी आवाज। कोविड का दौर है, हर तरफ खबरें हैं, रुदन है, रोना है, एम्बुलेंस के सायरन है। लेकिन इस बीच हमारे बीच कुछ ऐसे युवा हैं जो तमाम, तो सोशल मीडिया आप देखते हैं, चाहे वो आप फेसबुक देख लें, आप व्हाट्सएप देख लें, शॉर्ट वीडियोज देख लें, उससे वो जहां के रहने वाले हैं वो अपनी जुबान में एक ऐसा मैसेज लोगों को दे रहे हैं कि आपको हंसी मजाक भी होगी, आप इस तनाव भरे दौर से बाहर भी आएंगे। और वो संदेश जो देना है कि संक्रमण से बचने के लिए आपको घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है। एक ऐसे ही कलाकार इस वक्त, एक मैं कहूंगा एक ऐसे ही देसी कलाकार इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर है। यूं उनका ऑफिशियल नेम दिलीप पारिक है, लेकिन सोशल मीडिया पर इनको दिल्लू दादा के नाम से बड़ा फेमस है और इनको जाना जाता है। बहुत बहुत स्वागत आपका दिल्लू दादा। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। बहुत सराहनीय ये काम है कि आप बाड़मेर से हैं, बाड़मेर में छोटा सा गांव है चवा, आप उस चवा गांव से आते हैं और अपनी कॉमेडी के जरिए जो गांव में, जो ठेठ ढाणी तक, गांव तक जो संदेश देना है इस कोरोना को लेकर, वो आप अपनी कॉमेडी के जरिए दे रहे हैं। तो आज आपसे हम लोगों का परिचय करवा रहे हैं। ये स्क्रीन पे आप तो देख रहे हैं, आप दिलीप पारिक हैं, लेकिन दिल्लू दादा के नाम से आपको सोशल मीडिया में मिलेंगे। तो दिल्लू दादा, हम आपको दिल्लू दादा ही पुकारेंगे। जी सर, बिल्कुल सर, पुकार। दिल्लू दादा तो सुना दीजिए कुछ आज, क्या कोविड को लेकर संदेश है आपका? सर, कॉमेडी को लेकर हमारा यही संदेश रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी यही कोशिश होती है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और आप सुरक्षित रहेंगे तो बाकी वाले ही घर में सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इसको आप अपने अंदाज में बताएं कि आप अपने अंदाज में बताएं कि ये मैसेज आप कैसे देते हैं अपने स्थानीय स्तर पर। मैं मैसेज ये कॉमेडी के जरिए देना चाहूंगा। जी, स्वागत है। कि आप अपने घर में रहिए, कॉमेडी के जरिए। एक मैं आपको छोटा सा सुना देता हूँ, पंच जी जोक, कि हम पिछले 10 दिनों से घर पे आराम ही कर रहे हैं। तो आराम करते करते, जैसे अपन खाट पे लेटते हैं, तो आराम करते करते, आज तो मेरे साथ अजीब वाक्य हो गया कि सोते सोते खाट भी बोल उठा कि भाई लारले 10 दिन हूं तू सो रही हो है, अब तो उठ जा बेटी रा बाप, खाट री दावण तो खींच ले, पड़ी हुई रहसी कहीं। सही है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, जिसमें आप बता रहे थे कि सोशल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वो एक बार दोहरा दें आप। हाँ, सोशल डिस्टेंस का मतलब होता है कि आगो रहनी जैन छप्पी झालर, यूं कहीं नड़ी नड़ी चिपे मैं हूं छेटी रहे आगी रहे झालर। तो अपने मारवाड़ी में आप हर कोई को इंग्लिश नहीं आती है, और हिंदी भी मतलब गांव में थोड़ी बहुत कम आती है। तो मैंने ये वीडियो के माध्यम से समझा है कि भाई अपन को लोगों से दूर रहना है, चिपकना नहीं है आपस में। जितना अपन दूर रहेंगे तो अपन उतना सुरक्षित रहेंगे। ये आपका मैसेज इसलिए भी जरूरी है कि इस वक्त शादियों का सीजन है, गांव में तो विशेष तौर पे शादियों को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह रहता है, आना जाना रहता है, तो इस दौरान लोग समझ जाएं। और भी कुछ आप अपने अंदाज में सुनाना चाहें? अपने अंदाज में तो मैं यही सुनाना चाहूंगा कि वो सर सुना, तो एक जो आपके 3 घंटे वाला आया था ना, आपने अपने पिटारे में जो जमा कर रखा आप सब सुना दीजिए, दर्शक आपको सुन रहे हैं। तो मैं वो सुनाना चाहूंगा कि सरकार ने अभी एक गाइडलाइन जारी की थी कि भाई 3 घंटे के अंदर अंदर विवाह समारोह निपटाना अब जरूरी है, 3 घंटे के अंदर आपको पूरा कार्यक्रम करना है जी। तो उसपे मैंने एक छोटा सा जोक अभी वीडियो बनाया, तो मैंने इसमें कहा था कि सरकार कह रही है कि 3 घंटे के अंदर अंदर विवाह शादी समारोह अब हुआ अनिवार्य करना, तो बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आप हमें बिंदनी बताए, मैं तो 1 घंटे में ही शादी कर लूं। देखिए, जो नहीं समझ रहा है उनको मैं समझा देता हूँ कि ये पहली बार है कि इस तरह से कॉमेडियन का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मुझे भी इस बात पे हंसी आ रही। मैं जो लोग नहीं समझते मैं उनको उसको उसका इनकी जो कहना चाह रहे हैं उसका सरलीकरण कर दूं। दिल्लू दादा उन कुमारों का दर्द बता रहे हैं कि सरकार कह रही है कि 3 घंटे में शादी का फंक्शन हो जाए,
तो दिल्लू दादा एक कह रहे हैं कि हम तो एक घंटे में भी कर देंगे, आप लड़की तो दे दो जी। और बताइए दिल्लू दादा आगे कुछ। और तो मैं बताना चाहूंगा कि हम क्या ज्यादातर हम मारवाड़ी में वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल मारवाड़ी में बोलिए, डेजर्ट टाइम्स को देखने वाले राजस्थानी दर्शक सब मारवाड़ी जानते हैं जी। जी तो एक एक और है मेरे पास पंच जी। तो सरकार ने गाइडलाइन की है कि भाई दो गज दूरी बहुत है जरूरी, तो ये जो शादी ब्याह हो रहे हैं तो इसमें जो भीन भिनड़ी रहे अतले वो जोड़वानो है, वो अतले वो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है कि अतले वो भी जोड़वानो है इस तरह आप पूरा मारवाड़ी में सुना दीजिए एक बार। मारवाड़ी में हाँ। तो भाई सरकार कह रही है, सरकार कह रही है हिंदी नहीं पूरी मारवाड़ी में बोलो आप अपनी भाषा में। आप अरे सरकार कह रहे हैं कि तीन घंटों रे मो ब्याह क्या सॉरी अपने सरकार कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस रखनी है यानी कि दूर दूर रहना है शादी ब्याह रे मायने, तो दूर दूर रहना है। तो मैं तो आ कहूं कि सरकार ने पूछना चाहूं कि आप दूर दूर ही जकी टाइम शादी ब्याह हुए बी टाइम भीन भिंदनी रो अतले वो जोड़ा हुए बी टाइम भीन भिंदनी ने दूर दूर रखना है कि अतले वो भी जोड़ावनो है। जी जी आपका संदेश में एक अच्छा व्यंग है कि जब शादियां हो रही हैं और इन शादियों की रीति रिवाज में जब आप उलझते हैं, इस शादी की जब रीति रिवाज में आप जब काम करते हैं तो हतलेवा एक परंपरा है हमारी रिवायत है जिसमें दूल्हा और दुल्हन का हाथ एक दूसरे में दिया जाता है, तो क्या इनको भी जुड़वाना हाथ या नहीं जुड़वाना ये दिल्लू दादा कहना चाह रहे हैं जी। हाँ इसमें भी क्या सोशल, उसमें फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहती है, मैंने मजाक के तौर पे जोक बनाया। जी 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 तो आपको लगता है दिल्लू दादा कि आप इस जिस तरह की वीडियो बनाते हैं, ये जो तरह के आप व्यंग बनाते हैं, आप जिस तरह की ये एक्टिंग करते हैं, ये संदेश ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रामीण अंचल में पहुंच पा रहा है? लोग क्या कहते हैं जब आप इस तरह की वीडियो बनाते हैं? लोग कहते हैं खूब, लोगों की तो डिमांड बढ़ रही है अभी जी। हालांकि मैंने ये शॉर्ट वीडियो अभी पहले मैं यूट्यूब पे लंबे बनाता है, अभी 2 महीने हो गए शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, तो ये मेरे वीडियो अब 2 दिन से खूब चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं जी। तो लोग काफी हद तक समझ भी रहे हैं जी। और अब तो गांव में हालात ये है कि अब लोग समझ भी गए हैं और अपने घरों में अपने आप रहने लग गए हैं जी। और जो नहीं रह रहे हैं उनको आप समझा देंगे? और मेरा उनको मैं वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि भाई आप लोग घर पे रहें जी। वैसे आप क्या करते हैं दिल्ली? जान है तो जहान है। वैसे आप क्या करते हैं? मैं सर पहले तो मैं ई मित्र शॉप थी मेरी खुद की जी, किराना की दुकान, तो वो मैंने 2 साल हो गए तकरीबन बंद कर दी, इतना मेरे को मुनाफा नहीं हुआ था जी। तो अब जो है वो पूरा, फिर बाद में मैंने पिछले लॉकडाउन कॉमेडी पे पूरा जी। तो अब आप सिर्फ हंसाने, मतलब आपने अपनी एक दिशा और लाइन चुन ली है क्योंकि आप एक अच्छे कलाकार हैं, आपके भीतर एक कलाकार था, उस कलाकार को आप बाहर लाए हैं। आपका वो वीडियो किसी सोशल मीडिया के जरिए मुझ तक भी पहुंचा था और जब हमने सर्च किया तो हमें पता लगा कि आप बाड़मेर के चवा गांव के हैं। फिर आपके एक शिक्षक हमारे मित्र हैं भगवान जी बारूपाल, उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरा स्टूडेंट है, तो वहां से मुझे आपका नंबर मिला और फिर मैंने आपसे संपर्क किया। तो आप ये तमाम जिस तरह की अपने व्यंग में, अपने तंज में जिस तरह का संदेश आप दे रहे हैं, हंसी मजाक के साथ दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो देश में सबसे ज्यादा जो लोग घरों में हैं तनाव है, अखबार पढ़ते हैं तो तनाव है, टीवी देखते हैं तो तनाव है, तो इसमें कुछ ऐसे दिल्लू दादा जैसे लोग हैं जो हमें हंसा रहे हैं, तनाव को कहीं कहीं कम कर रहे हैं। आप जब भी कुछ ऐसा नया कुछ बनाएंगे हम आपके पास फिर आएंगे, आपसे फिर बातचीत करेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप अपनी कॉमेडी के जरिए अपने गांव के लोगों को एक संदेश दे पा रहे हैं, अपनी जुबान में लोगों को ये समझा पा रहे हैं कि आपको कोविड संक्रमण से बचना कैसे है। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्लू दादा हमारे साथ बात करने के लिए, हम आपके साथ फिर आएंगे। आपने यूट्यूब के कॉमेडी के एक उभरते हुए सितारे हैं, लेकिन जिस दिन आप एक बहुत बड़े स्टार हो जाएंगे उस दिन डेजर्ट टाइम्स आपको फिर याद करेगी और फिर बीच बीच पे भी हम करते रहेंगे। हमें जब भी लगा कि आपके जरिए कोई संदेश लोगों को गांव तक पहुंचाना है तो हम आपको जरूर याद करेंगे। लेकिन जाते जाते
दिल्लू दादा मैं ये कहूंगा कि आप अपनी मारवाड़ी भाषा में एक संदेश आपकी ओर से जो देना चाहते हैं दीजिए, क्योंकि इस वक्त गांवों में आपकी आवाज आपकी जुबान में पहुंचनी बहुत जरूरी है। तो आप कोई संदेश देंगे जाते जाते हमें? जी सर, मैं जाते जाते एक संदेश देना चाहूंगा कि आप घर में रहो और अपने परिवार को ध्यान रखो और इन शादी ब्याह रे माहौल बचन रहो, जितना आप कम जाओला ये तो बढ़िया रहला, आप रे भी बढ़िया रहला और सामने वाले रे भी बढ़िया रहला। तो इन कारण आप घरे रहो, सुरक्षित रहो, शादी ब्याह में तो बाद में जानो ही है, एक बार माँ बारी हूँ आप पे निपट लो, मेरे बाद में आप शादी है ब्याह में आराम हो जाएगी। तो दिल्लू दादा ये 3 घंटे में शादी हो, दिल्लू जो 3 घंटे में शादी सरकार कह रही है कर लो, और आपने कहा है कि लड़की दे दो, तो आपको लड़की मिल गई या तलाश है अभी? अभी मेरे को तलाश ही है सर, इसीलिए मेरे पे ही बनाया है समझो आप। अच्छा, तो अभी तक आपका हथलेवा नहीं हुआ है? अभी तक मेरा हथलेवा नहीं हुआ सर। चलिए, तो मतलब आप कहीं कहीं अपने अंदर की जो बात है वो अपनी कॉमेडी के जरिए दे रहे हैं ताकि जो लोग देख ले और कोई लड़की आपको पसंद कर ले। अब आप चूंकि स्टार बनने जा रहे हैं, आप स्टार हो गए हैं सोशल मीडिया पे, तब तो आपके पास खूब लाइक्स, आपके बहुत फैन फॉलोइंग होंगी, तो हो सकता है कोई कोई अच्छा ऑफर आए और जल्द से जल्द आपका भी कहीं हथलेवा हो जाए, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दुनिया को हंसाते रहिए, आपकी हंसी से लोग हंसते रहें, खुश रहें, हर घर में खुशहाली हो, और आपकी वजह से, आपकी कॉमेडी की वजह से लोगों के घर में तनाव कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया निखिल जी, आपका भी धन्यवाद।